सालों 400 रुपए बिक रहा है, लेकिन हमने खाली बस ये आलू पसंद आया तब लिया। कोई प्रॉफिट नहीं, कुछ नहीं है इसमें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज के नजर, मैं हूं आपके साथ राजीव। इस समय वीरांगना ट्रेडिंग कंपनी पे दुकान नंबर 2 पे और चारों तरफ की स्थिति भी दिखाएं तो प्रधान जी के यहाँ चारों तरफ आलू की लाइन लगी हुई है। अगर बात की जाए तो किसान भाई भी है और हमारे साथ ठटिया मंडी के कई व्यापारी भी हैं। तो ये आलू सामने वाला है, भैया ने पसंद भी किया है और अगर बात की जाए तो मीडियम क्वालिटी का आलू है। अब प्रधान जी भाव इसका रखेंगे और क्या भाव में बिक्री होती है, प्रधान जी ने कई लाटे भी बेच भी दें। तो प्रधान जी ये वाला मीडियम क्वालिटी का आलू है तो इसका क्या भाव वगैरह रखें? 531 रुपये। 531 रुपये। आप बता भैया, व्यापारी कौन खरीदने वाले? आप खरीदने वाले की आप? अनिल भाई। अनिल भाई बताओ फिर। देखो 451 रुपये। 451। आप प्रधान जी बिल्कुल ये बेचे भैया 21 11 कह रहे हैं। 21 11। आप बताओ भैया अनिल भाई, कैसे मामला बनेगा? जो लिखो लिख दो, फिर अगर ऐसी बात है नहीं, आप एक बार बताओ मतलब भरपूर तरीके से, अच्छी तरीके से बताइए क्या। 501 रुपए की। 501 रुपए। प्रधान जी देखिए का मेरा आपको ना, व्यापारी है सभी लोग तो प्रधान जी फिर बनाओ तुरंत लिख। उसमें शिकायत भी है, मीडियम भी है, भर्ती मारे ले रहे हैं। भर्ती अच्छी है, भर्ती बढ़िया, ये तो बात क्लियर है। अब आलू भी चमकता हुआ है। अनिल भाई फिर बनाओ, देखिए आलू भी दिखाना चाहे प्रधान जी ने, देखिए दिखाया अब आलू में चटका पटका कुछ नहीं, बिल्कुल चिकना है। कुल मिला के 521 रुपए आलू बिक गया है। भाई रुक ले। तो 521 रुपए में तो आज की तारीख में बिक्री क्या भाई है? तो प्रधान जी से बात करते हैं, भैया बताओ आज की तारीख 521 रुपए पर आलू सालों 400 रुपए बिक रहा है, लेकिन हमने खाली बस ये आलू पसंद आया तब लिया है 521 रुपए का। इसमें रोग भी नहीं है कोई, ये भी बात माननी पड़ेगी। ठीक है भैया, तब पैसे नहीं दे रहे हैं यार, अब बस भैया आप थोड़ी देर में बनाएंगे, थोड़ी देर बनाएंगे। तो प्रधान जी आज बिक्री की अगर बात की जाए तो कई लाटे बेच दिए? 7-8 लाटे बिकी। तो क्या भाव में लगभग? 521 511 रुपए। 500 के नीचे ना कटा? ना नीचे ना। तो कुल मिला 400 बिकेंगे और बताओ तुम। 400 बिकेंगे आलू, तो आप वही इंतजार कर रहे हैं? 400 दो गाड़ी बनाएंगे, 400 में और बताओ तुम। 400 में बनाएंगे। तो कई किसान भाई भी हैं और इंतजार सभी लोग कर रहे हैं कि आलू की बिक्री हो। और हमारे साथ दद्दा है, दद्दा जो बैठे हैं, दद्दा कुछ कह रहे थे चर्चा है तो दद्दा चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहता है दद्दा बताओ? आप बोलो, नाम बताओ, नाम का है? हमारा राधाकृष्ण नाम है। कौन गाँव बड़ा था? बोलो। कनौली। कनौली आलू लिया कि नहीं मंडी? हाँ आलू साहब बिची गो। बिची गो? कितने रुपए बिचो गया बताओ? अरे साहब जो है 521 रुपया बिच, 11 रुपया बिका। 511 रुपया जी। अच्छा ये बताओ प्रॉफिट कितने रुपया पैकेट? कोई प्रॉफिट नहीं, कुछ नहीं है इसमें। कितने पैकेट बिका नहीं करो? अरे मतलब जो है 10-12 पैकेट बिका। 12 पैकेट खाई गए बताओ? वो गाँव में जो गाड़ी चली है थलवा पकड़ने वाली, वो गाड़ी आई अपने गाँव में? नहीं भैया, नहीं आउट है। नहीं वो चल रही है गाँव का? चल रही, लेकिन नहीं आई भैया, नहीं आई। 4 पकड़ 18 छोड़ लिया, 4 पकड़ बच्चा ढील दे दे, गैया गैया ले जा, दूध खाई ले तो छोड़ दे। अच्छा सही कह रहे हो भैया, दूध खा के वो छोड़ देते। गलती आ लाइट आ रहा, ठीक है, गलती है ये। जिस जो गैया पाल रहा है उसे वो यूं तो रखो कि उसे खवानों की क्षमता रखो। बाबा जी की आगे अगर बात की जाए तो मंडी में आज आलू की बिक्री अभी शुरुआत का समय देखा जाए तो 500 रुपए पैकेट के ऊपर अभी बिक्री हो रही है। और जैसा कि व्यापारी भाई बता रहे कि जब रात का नजारा होगा तो 400 में भी कांटा छू जाएगा। तो हो सकता है भैया 400 में छू जाएगा, छुएगा तो उसका भी अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो कल सुबह जो मॉर्निंग में आएगा उसमें अपडेट मिलेगा कितने रुपए कांटा छूता है।